हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आज जो है वो है संडे और हम लोग का आईटीसी मराठा में स्टे जो है काफी अच्छा चल रहा है। खत्म होने वाला है थोड़ी देर में। तो हम लोग जो है अभी मस्त ब्रेकफास्ट वगैरह करके आए। ब्रेकफास्ट का वीडियो अभी आप लोग के लिए प्ले हो जाएगा। अवेलेबल है तो ब्रेकफास्ट जो है उसके लिए बहुत ज्यादा गर्दी होती है। तो यहाँ पे ना ऐसा है कि हम लोग को होटल वाले ने भी बोला था कि ब्रेकफास्ट के लिए आप लोग जल्दी चले जाइए, क्योंकि अगर आप जल्दी चले जाओगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, फटाफट मिल जाएगा आपको। बट हम लोग लेट उठे और हम लोग अराउंड कितने बजे गए, साढ़े नौ दस बजे के आसपास जो हम लोग चले गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। वेटिंग था, क्यू भी थी, पर इतना ज्यादा भी वेटिंग नहीं था, तो थोड़ा बहुत आ गया। मतलब बहुत सारी चीजें थी खाने के लिए। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं था खाने के लिए, मतलब भुर्जी, डोसा, लाइव काउंटर था, ऑमलेट्स थे, बॉइल्ड एग, सॉसेजेस, इडली, मेदू वड़ा, उसके साथ साथ वो सेव वाला उपमा होता है, वो ऐसे बहुत सारे आइटम्स थे, फ्रूट्स, जूसेस, ब्रेड बटर, जैम, सैंडविचेस, सब था। ऐसी कोई चीज पोहे होते का नहीं, पोहे नहीं थे, वो सेव वाला उपमा था ना, मैंने नहीं देखा एक्चुअली। और वो भी था ना, छोले थे, फिर और कोई पापड़, ये पात्रा, दैट वाज वेरी यम्मी। तो ऐसा ना, मतलब बहुत सारी चीजें थी। तो आप अगर वहाँ पे जाते हो तो कुछ ना कुछ तो आपको खाने मिल ही जाएगा, और इतना कुछ है खाने के लिए, आपका पेट भर जाएगा और आपको मतलब यू विल बी वेरी फुल। अभी तो हम लोग को ऐसा, मेरे को तो ऐसा है कि अभी लंच भी नहीं खाऊं तो भी चलेगा, इतना खुश है हम लोग। सॉरी, लंच चाहिए। ठीक है। और कैसा है कि आप अगर लंच और डिनर नहीं ले रहे हो तो प्लीज ब्रेकफास्ट तो जरूर ही लेना, क्योंकि पैसा वसूल यहाँ पे हो जाता है ना। ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा है, चिकन वगैरह उसमें था, तो मतलब इट वॉज वेरी 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 फुलफिलिंग। यस। और इसी तरीके से जो है अब हमारा वेकेशन, स्टेकेशन जो है वो खत्म होने वाला है। हर चीज का तो नींद आने लग गया, वापिस सो जाओगे पर मैं उठू ही नहीं चेकआउट के। वो आके उठाएंगे दूसरे दिन, तो वो मुझे वो उठा के रख देंगे बाहर, आप जाओ। नहीं नहीं, वो उठा के बाहर नहीं रखेंगे, वो सीधा सीधा बिल कर देंगे। हाँ, बराबर है। रुको, अगर उनके पास बुकिंग नहीं रहेगा तो वो सीधा सीधा चेकआउट का बिल मार देंगे और एक दिन का एक्सटेंड हो जाएगा। अच्छा खासा क्राउड है, तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा हमारा आईटीसी मराठा के साथ। जस्ट चिल करने के लिए हम आए थे। अगर आप कोई फैमिली हो जो यहाँ पे रुकना चाहते हो, वेट कर मतलब एज अ स्टेकेशन अकेले आना चाहते हो, या फिर एज यू नो अगर आप कहीं दूसरे सिटी से या दूसरे कंट्री से यहाँ ट्रैवल कर रहे हो, एयरपोर्ट जो है विद इन 10 मिनट्स आप यहाँ से एयरपोर्ट पहुँच सकते हो। Yes. इतना नज़दीक है ये एयरपोर्ट से। सो अगर आपकी फ्लाइट्स वगैरह है तो आप इधर स्टे ले सकते हो, काफ़ी बढ़िया होटल है। स्टाफ काफ़ी अच्छा था। अभी हम लोग ने जो है बाथटब का पूछा वो लोगों के, भाई बाथटब के लिए कोई सोप वगैरह है क्या, आपके बबल बाथ वगैरह कुछ है क्या, तो उन्होंने मेरे को एक बबल बाथ दिया है, तो वही बबल बाथ अब यूज़ करेंगे, थोड़ा नहाएंगे वहाएंगे। देखो आपको अभी वीडियो दिखेगा बाथटब का, कैसा मस्त एकदम सजा के रखा हुआ है। ऑलराइट, मतलब ऐसे हम कोजी वाला, मतलब स्टेकेशन वाला अब भी फील आने लग गया है कि सिर्फ सोने को स्टेकेशन लेना। अगर मुझे जॉब पे नहीं जाना होता तो एक दिन एक्सटेंड कर लेते। नहीं, पैसे का भी सवाल है, राइट, ज्यादा भी उठने की जरूरत नहीं है।
एब्सोल्युटली. सो एक बार मिला है, नेक्स्ट टाइम 2 नाइट्स ले लेंगे, है ना? एक दिन मजा करेंगे, एक दिन फिर सोने में निकालेंगे, क्या बोलते एब्सोल्युटली. हैं, है ना? अभी कुछ और एक्सप्लोर करेंगे, है ना? अभी कोई दूसरा होटल देखेंगे. सो दिन शुरू करें. सो फाइनली गाइस, टाइम आ गया है चेकआउट करने का, और जरा भी मन नहीं कर रहा है चेकआउट करने का. हमारा स्टे आईटीसी मराठा में बहुत ही बढ़िया था और बहुत मजा आया हमको स्टे करने के लिए. बट देन अब क्या करें, अब जाना तो पड़ेगा. और घर पे मुझे ये हुआ परतापन ऐसा हो परतापन. रहा था कि रोहित को मैंने बोला आधा दिन करते नेक्स्ट डे, तो ऐसा नहीं रहता है, पूरा दिन करना हाँ, ऐसा ऐसा पड़ेगा. कौन से होटल में रहता है आधे दिन का पैसा. तो अरे मन की भावना थी वो मेरी, समझ सकते, पर अपन एक बार वापस आएंगे यहाँ पे. दैट इज और फॉर 2 नाइट्स. हाँ, 2 नाइट्स 3 नाइट्स भी अगर हो सका तो अन्नू को भी आएंगे, लेके आएंगे. या फिर आईटीसी का कहीं दूसरी जगह पे कोई प्रॉपर्टी होगा ना, वहां पे देखते हैं. आई एम श्योर इंडिया में उनके और भी होटल होंगे कहीं है, कहीं पे, चेन्नई में, अहमदाबाद में भी है शायद. तो वहां पे जाके देख लेंगे एक बार. सो चलो गाइस, इट्स नाउ टाइम टू चेक आउट. हाउ वाज योर स्टे? घर के रूटीन से ब्रेक मिला, रिलैक्स्ड, यस, मच रीजेनरेट नीडेड. हो गई, मच मैं नीडेड. हर एक कपल को बोलना चाहती हूँ कि ऐसा स्टेकेशन होना चाहिए. अभी एक बार मिला है, मतलब पहली बार मिला है, तो अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ वर्थ इट है. हम ट्राई करेंगे कि हर हम एक 6 महीने दूसरे में. ऐसे कम्युनिकेशंस रहते हैं जो हम घर पे नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पे कैसा कुछ काम नहीं है, दिमाग रिलैक्स्ड है, तो बहुत सारी बातें हैं जो इतने टाइम से कही नहीं रहती है, या टाइम नहीं मिला रहता है, या वैसा सिचुएशन नहीं मिला रहता है, तो हम लोग ने वो कम्युनिकेशन किया कल, है कुछ ना? कॉन्वर्सेशन होते हैं जो घर पे नहीं हो सकते, तो वो यहाँ पे हो और जाते हैं. स्पेशली जॉइंट फैमिली में तो डिफिकल्ट हो जाता है, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त है. बट ठीक है, बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच रोहन फॉर गिविंग मी अ वेलकम वेरी वेलकम. गुड सरप्राइज. थैंक यू और गॉड कि मेरे को इतना केपेबल बनाया, और थैंक यू माय पेरेंट्स के. अन्वेषा को उन्होंने संभाला, और थैंक यू मम्मी डैडी, खूब खूब थैंक यू तुम्हारा, और अन्वेषा को भी बिग थैंक यू कि वो अच्छे से रही उसके दादा दादी के पास, और बस अभी उसको मिलने का है और उसका एक्साइटमेंट देखने का है. उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके जाएंगे, क्योंकि उसका जाना हमारे कॉल पड़ेगा. पे था, माला काय गम्मत आणणार रे माला. बट अभी तो बच्ची है, मतलब उसको वही अट्रैक्शन है. ठीक है, अब लेके जाएंगे उसके लिए. उसको कभी अगर नहीं लेके गए तो बहुत बुरा मान जाएगी वो, नेक्स्ट टाइम अपने को जाने के टाइम पे 10 बार सोचेगी इसको भेजू कि नहीं. नहीं उसके लिए कुछ लेके नहीं जाते. सो चलो गाइस, अभी करते हैं चेकआउट. टाइम टू चलो गो. लेट्स गो. फाइनली पहुंच गए घर पे गाइस, मेरा बेड, मेरा गद्दा. ओके गाइस, आज जब हम लोग बाहर गए थे और आ रहे थे, तो अन्वेषा के लिए हम लोग ने ये गेम सेट लिया है. बहुत ही बढ़िया गेम सेट है, बहुत सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें इसमें. देखो मैं आपको बता देता हूँ. सो ये एक डेंटल है, इसमें आपको नकली वाले दांत मिलते हैं. सो इसमें डेंटल है, ये सारे के सारे जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं वो सारे के सारे जो है. आ? नको सर गाइज, इसमें बहुत सारी चीज़ें है. ये देखो, ये एक छोटा सा इंजेक्शन है,
फिर ये टूथपेस्ट है, सबसे क्यूट लगा मेरे को ये टूथपेस्ट, बहुत ही बढ़िया है इसका यूज़। इसको ऐसे प्रेस करो तो अंदर से टूथपेस्ट जैसा बाहर निकलता है। फिर दवाई है, और फिर ये जो पर्टिकुलर चीज़ें होती है जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो बाय भी कर सकते हो। और अन्वेषा तो बहुत खुश है इसको देख के, है ना अन्वेषा, यू आर हैप्पी। यानी खाल लग है। What are these? Teeth. And this is? Tongue. And what is this called? This tongue. This is called palate. What is this called? तो गाइस गेम्स नेसेसरी है बच्चों को सिखाने के लिए, तो यस प्लीज़ ऑर्डर करिए। ये जो गॉगल्स है ना, ये पहनने के बाद अन्वेषा बहुत क्यूट लगती है। कहा ले अन्वेषा, इकड़े बग बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस इसमें जो आप यूज़ कर सकते हो। और गाइस मौका भी है तो चलो एक काम करते हैं, इससे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बुलवाते हैं। So guys, please like, share and subscribe.